पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है हाई सी संधि और भारत। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत सरकार ने कहा कि वह जल्द ही हाई सी संधि पर हस्ताक्षर करेगी और उसका अनुसमर्थन करेगी, जो महासागरों के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संरचना है। पिछले वर्ष हुई इस संधि का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना तथा समुद्री जल में जैव विविधता और अन्य समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। चलिए अब जानते हैं हाई सीज के बारे में। यह संधि केवल उन महासागरों से संबंधित है जो किसी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सामान्यतः राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र समुद्र तट से 200 समुद्री मील तक फैला होता है, जिसे विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। प्रत्येक देश के EEZ के बाहर के क्षेत्रों को उच्च सागर या अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। विकुल महासागरीय क्षेत्र का लगभग 64% यानी आमतौर पर 2/3 हिस्सा बनाते हैं और उन्हें वैश्विक साझा संपत्ति माना जाता है। हाई सीज पर किसी का क्षेत्राधिकार नहीं है और यहाँ सभी को नौवहन उड़ान, आर्थिक गतिविधियों, वैज्ञानिक अनुसंधान या समुद्र के नीचे केबल बिछाने जैसे बुनियादी ढांचे के लिए समान अधिकार प्राप्त हैं। इनमें से कई क्षेत्र संसाधनों के अतिदोहन, जैव विविधता की हानि, प्लास्टिक के डंपिंग सहित प्रदूषण तथा महासागरीय अम्लीकरण से ग्रस्त हैं। चलिए अब जानते हैं हाई सी संधि क्या है। हाई सी संधि की तुलना अक्सर इसके महत्व और संभावित प्रभाव के आधार पर जलवायु परिवर्तन पर वर्ष 2015 के पेरिस समझौते से की जाती है। इसे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर समझौता कहा जाता है। अधिकांश अन्य देशों की तरह भारत भी लगभग 20 वर्षों की वार्ता में शामिल था, जिसके परिणाम स्वरूप 2023 में संधि को अंतिम रूप दिया जाना तय था। हाई सी संधि का उद्देश्य 4 मूलभूत उद्देश्य प्राप्त करना है: समुद्री पारिस्थितिकी का संरक्षण और सुरक्षा, समुद्री आनुवांशिक संसाधनों से लाभ का उचित और न्यायसंगत बंटवारा, किसी भी ऐसी गतिविधि के लिए अनिवार्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की प्रथा की स्थापना जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संभावित रूप से प्रदूषित या नुकसान पहुंचाती हो, क्षमता निर्माण और विकासशील देशों को समुद्री प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण। यह समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अनक्लॉज का पूरक है। अनक्लॉज समुद्री संसाधनों की न्यायसंगत पहुंच और उपयोग, जैव विविधता और समुद्री पारिस्थितिकी की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सामान्य सिद्धांत भी निर्धारित करता है। किसी भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानून की तरह हाई सी संधि तभी लागू होगी जब एक निश्चित न्यूनतम संख्या में देश इसकी पुष्टि करेंगे या इसमें शामिल होंगे। इस संधि के मामले में यह संख्या 60 है। चलिए अब जानते हैं यह विश्व के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सीमाओं से परे ताजा सुरक्षा, स्वच्छ महासागर, मछली स्टॉक का सतत प्रबंधन, तापमान कम करना 2030 एजेंडा को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हाई सी संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह संधि तभी लागू होगी जब 60 देश इसका अनुमोदन कर देंगे। 2, इसे अनौपचारिक रूप से राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर समझौता कहा जाता है। 3, यह संधि केवल उन महासागरों से संबंधित है जो किसी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।